फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन 2.0। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है वेज शामी कबाब। इसके लिए हमें एक अदद आलू यानी पोटैटो की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक कच्चा केला रॉ बनाना और सोया चंक्स जो कि मैंने न्यूट्रेला का लिया है। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, 10 रुपये में आ जाता है और ईज़िली अवेलेबल है। आप इस पैकेज से हाफ सोया चंक्स को यूज़ करेंगे या एक छोटी कटोरी से आप इसे यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने सभी चीज़ों को एक साथ कुकर में कर लिया है और पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और इसे मैं बॉईल करने वाली हूँ 5 से 7 मिनट के लिए ताकि सभी चीज़ सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, फिर हम इसे मैश कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। यहाँ पे मैं एक बात जो आपको बताना चाहती हूँ ये है कि सोया चंक्स के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब आप इसे कंप्लीट बॉईल कर लें तो इसे अच्छी तरीके से प्रेस करके इसके अंदर का पानी निकाल दें, इस तरह से प्रेस करके, वरना इसमें अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो आपको कबाब बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं इस कबाब में ऐड करूँगी। ये है 1 स्लाइस लेमन, नींबू, जैसे हम अंडे के ऑमलेट में प्याज डालते हैं उस तरह से मैंने काट ली है। एक स्मॉल साइज अनियन, स्मॉल याद रहे, स्मॉल। ये ग्रीन चिली है, मैंने एक लिया है। ये ग्रीन कोरिएंडर है, कोरिएंडर लीव्स है। एंड दिस इज़ 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। आप इसे स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यू कैन एडजस्ट इट एज़ पर योर टेस्ट। जो टेस्ट मेकर है वो है ये मसाला, ये मिश्रण जो मैंने बनाया है। इस मिक्सचर के अंदर मैंने ऐड किया है ड्राई रेड चिली, 5 to 8 ब्लैक पेपर, लाल सूखी मिर्च, काली मिर्च, 1 लौंग, 1 अदद लौंग, 1 क्लोव, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड, साबुत धनिया 1 छोटी चम्मची, 1 छोटी चम्मची सौंफ फेनल सीड और 1 छोटी चम्मची ज़ीरा यानी के क्यूमिन सीड। सबको मैंने रोस्ट करके अच्छी तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं कि मैंने इसे अपने हाथ की मदद से मैश करा था और अब इसमें मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसका कबाब बना लेंगे अपने हाथ की मदद से। हमें इसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। हम पैन के बेस पे हल्का ऑयल लगाएंगे पहले और फिर इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा कबाब अब रेडी है फ्राई होने के लिए। दोस्तों, मैंने पैन को रिफाइंड कुकिंग ऑयल से पहले ही थोड़ा ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें कबाब्स को रख दूंगी। दोस्तों, मैंने कबाब को पैन में डाल दिया है और सिम फ्लेम पे रखा है जब तक इसकी बैक साइड का कलर डार्क ब्राउन अच्छे से फ्राई होके नहीं आ जाता, हम इसे टर्न नहीं करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कबाब का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इस पे हल्का हल्का ऑयल ऊपर से पोर करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा वेज शामी कबाब बनके तैयार है। इसके अंदर मैंने रॉ बनाना का यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है विटामिन B6 का और विटामिन सी का। साथ ही साथ ये मदद करता है हमें कैल्शियम को, हमारी बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। दोस्तों,
इसमें मैंने सोया का इस्तेमाल किया, सोया चंक्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होता है प्रोटीन कंटेंट में। कई बार कहा जाता है कि इसके अंदर एग से भी ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यह मेनोपॉजल वुमेन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, मैंने इसमें पोटैटो यूज़ किया है, जो कि बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन B6 का, विटामिन सी का, पोटेशियम का, फाइबर का, जो कि सभी कलेक्टिव तौर पे हमारी हार्ट के हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।